आप सबकी जोरदार तालियों के बीच अपने फेवरेट को बुलाना चाहूंगा, मिस्टर सलीम एंड मिस्टर सुलेमान। आपने आते ही सिद्धू पाजी का फेवरेट गाना गा दिया, तो सिद्धू पाजी बहुत कम डांस करते हैं। गीतों के स्टेडियम में संगीत की कमेंट्री करते हैं, झूम उठती है महफिल जब ये दोनों एंट्री करते हैं। ईंट पत्थर के मकानों में नहीं रहते ये, ऐसे कलंदर तो सीधे दिल में रजिस्ट्री करते हैं। अटैक, बहुत मजा आया सर, आइए आइए प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा बाजी, कुछ नाम ऐसे होते हैं जोड़ियों में लेते तो मजा आता है, जैसे सलीम सुलेमान, हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री में हमारे डायरेक्टर्स बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे हुए जिन्होंने जोड़ियों में काम किया, और ये दोनों भाई हैं और बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा भाई, मैंने कभी आपसे पूछा नहीं, इतनी बार मुलाकात हुई, आप में से बड़ा कौन है? आपको क्या लगता है ये? अरे नहीं यार, वो मैं समझ गया, अभी आप अपनी उम्र बचाने के चक्कर में कभी कभी सच भी बोला करते हैं हम। अच्छी बात है सर, जैसे सलीम सुलेमान हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सलीम पहले रखा गया और उसके बाद सुलेमान। एक्चुअली कपिल भाई, यू नो इंडस्ट्री में ऐसा हुआ कि जब हमने शुरुआत की तो लोग ही बुलाने लग गए सलीम सुलेमान, अरे वो सलीम सुलेमान को बुलाइए, कि हमने बहुत सारे गाने दूसरे कंपोजर्स के लिए अरेंज किए, प्रोग्रामिंग की उनकी, तो ये इंडस्ट्री ने नाम दिया हमें, हमने कभी ऐसा नाम बनाया नहीं हमारा। अच्छा, तो आप खाली गाने बनाते जाते थे? हम गाने बनाते थे, और नहीं नहीं हम पहले प्रोग्रामिंग करते थे कंपोजर्स के लिए, तो इंडस्ट्री में चर्चा होती थी कि अरे सलीम सुलेमान अच्छा काम करते हैं, उनको बुलाइए। पर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, अभी आईपीएल के लिए इन्होंने बहुत अच्छा एक गाना बनाया है। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ कभी, अकेले जा रहे हो, किसने आगे बुलाओ सलीम सुलेमान आपका ऑटोग्राफ? तो बहुत बार हुआ है अकेले के साथ। हम हमेशा कहते हैं दो जिस्म एक जान, सलीम सुलेमान। अच्छा, आप साथ में म्यूजिक कंपोज करते हैं फिल्मों के लिए, लाइव शोज में आप साथ जाते हैं। अच्छा, जब इंडियन आइडल में जज बनने का टाइम आता है तो आप अकेले बैठ के जज करते हैं, उस समय आपको ध्यान नहीं आता कि भाई भी बैठ के पैसे कमाए आराम से? अगर हम सुलेमान और अगर मैं साथ में हो जाएंगे जी, तो वो कंटेस्टेंट को दो वोट मिल ही जाएंगे। राइट, तो यही चक्कर था कि यू नो व्हेन दे, बिकॉज मैंने इंसिस्ट किया कि मुझे सुलेमान के साथ में ही रखो जी, हमारी जोड़ी है उनको तोड़ो मत, बट ऑब्वियसली हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि अन्नू जी टिके ही रहे हैं वहां जी, उन्होंने कुर्सी छोड़ी नहीं, अन्नू जी तो पेंशन लेके निकलेंगे वहां से। एग्जैक्ट, और एक फीमेल जज का बनता है क्योंकि वो एक थोड़ा सा ग्लैमर एलिमेंट आता है, तो उन्होंने सोचा था कि सीजन 5 में सुनिधि का जिक्र किया था। चलिए, बहुत अच्छा, आपने ऑडियंस को पूरा क्लियर कर दिया, जस्टिफाई कर दिया, नहीं तो बहुत लोगों के मन में सवाल था कि रियलिटी शो के टाइम पे दोनों अलग तो नहीं हो जाते हैं? ये सवाल तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सवाल तो आपका ही था वैसे, बट एनीवे ये बच्चों के सवाल थे यहाँ पे जो आए हैं। मैंने सुना कि जब आपने हौले हौले गाना जो सुखविंदर पाजी ने गाया वो आपने 9 घंटे में ही बना दिया था गाना? सर, जो स्क्रिप्ट से ही निकला था वो फ्रेज, हौले हौले हो जाएगा प्यार जी, तो उसका जो मेन हुक है वो तो वहां से ही निकल गया, और फिर कीबोर्ड पे आते ही मैं ऐसा मेरा हाथ लग गया, कभी कभार ऐसी आमद आ जाती, इट्स राइट, हो जाता है, होता है ऐसे कभी कभी। आदित्य चोपड़ा को वो बहुत पसंद आया वो पीस, और सुलेमान को भी बहुत पसंद आया, इसे यार ये तो रखते ही है, इसको थीम बना देते, और फिर सुलेमान ने ठेका लगाया। कमाल है, मैं मतलब हौले हौले उसके लिरिक्स ऐसे 9 घंटे में बनाया, अगर गाना होता तेज तेज सी हवा तो आप क्या 9 मिनट में बना देते? ऐसे हम सोचते रहते हैं फालतू की बातें। सर एक बात बताइए, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया है कि बीवियों के साथ? मैंने तो कह दिया दो जिसमें एक जान, सलीम सुलेमान। ये तो है बिल्कुल, तो फिर बीवियों को परेशानी नहीं होती कि आप सारा दिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें? बीवियों को बहुत परेशानी होती है, एक्चुअली होती है बीवियों को। हाँ, मगर उन्होंने हमें त्याग दिया, बोले जाओ जी लो अपनी जिंदगी। इतनी अच्छी बीवियां, पता भी होता है ना, स्टूडियो में बैठे होंगे म्यूजिक कर रहे हैं, नहीं तो आप कहीं घूमने फिरने का काम करते हो तो कभी ना जाने दें आपको, शायद ऐसे होता है। देखिए, घूमने फिरने वाला ही तो काम, हम वैसे काफी घूमते फिरते। अच्छा जी, हाँ, शोज़ वोज़ में जाते तो घूम फिर ही रहते, तो वो साथ नहीं जाती हैं वाइफ्स? कभी कभार, कभी कभार जाती हैं, जब साथ में लेडी सिंगर जाती हैं बस। सर एक रेडियो पे शो करने जा रहे हैं सलीम भाई, जिसमें बड़ा एक्चुअली खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये आरजे बने हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट गाने जो हैं लोगों को सुनाएंगे, पुराने गाने भी और उनके पीछे के किस्से भी, कुछ किस्से हमारे साथ भी शेयर कर लो सलीम भाई। रिकॉर्डिंग हो रही थी जय जय शिव शंकर की। अच्छा, और आर डी बर्मन जी ने गाना बनाया, ऑफ कोर्स जी ओम प्रकाश इनके निर्माता थे, प्रोड्यूसर थे। ओके, और 50,000 रुपये खर्च हो गए उस जमाने, तो जी ओम प्रकाश जी बहुत परेशान थे, अरे गाना इतना खर्चा हो गया फिर भी मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ
गाने में कुछ बात नहीं है, कुछ वो नहीं है, कुछ दम नहीं है. राजेश खन्ना जी थे वो रिकॉर्डिंग में और किशोरदा भी थे जाहिर है. तो राजेश खन्ना जी को जरा खराब लग गया बिकॉज यू नो जे ओम प्रकाश जी कहते जा रहे थे 50,000 खर्च हो गए, 50,000 खर्च हो गए. तो उन्होंने जाके किशोरदा के कान में कुछ कह दिया. किशोरदा हंसने लग गए और हंसते ही रहे, हंसते ही रहे, हंसते रहे. और उन्होंने पंचमदा को कहा कि रिकॉर्डिंग शुरू करो, मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया है, मैं इस गाने को मजेदार बनाता हूँ. तो रिकॉर्डिंग हुई, गाना मुखड़ा आया, अंतरा हुआ, म्यूजिक चले. फिर आखिर में कोडा में जब टेम्पो बढ़ता है और कोरस वगैरह सब हैवी हो जाता है तो किशोरदा रिकॉर्डिंग में चिल्लाने लगे, 50,000 दिए, जोर से बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, और जोर से बजाओ. वो गाने में भी आया, फिल्म में भी. वो गाने में भी शामिल है. आज भी वो अगर आप सुनेंगे गौर से तो वो रिकॉर्डिंग में किशोरदा चिल्ला रहे हैं, ईमानदारी से बजाओ, 50,000 दिए, ईमानदारी से बजाओ. तो किशोरदा ऐसे कमाल के पागल आर्टिस्ट थे. वो किस्मत थी वो, क्योंकि पंचमदा ने कहा कि ये गाना जब भी किशोरदा कुछ ऐसा अतरंगी पागलपन करते तो वो गाना हिट हो जाता है. और वो आर्टिस्ट थोड़े तो होते हैं ऐसे. तो आपने तो बहुत सारे सिंगर्स के साथ काम किया है जी. सबसे मैड सिंगर आपको कौन सा लगता है? सुखविंदर सिंह. आई लव यू पाजी. एक्चुअली एक ही आदमी है. मेरे हिसाब से सुखविंदर सिंह जैसा सिंगर इंडस्ट्री में नहीं है. एक्चुअली देयर इज नोबडी लाइक हिम. किशोरदा थे, रफी साहब थे, और मेरे हिसाब से आज के दौर में एक यूनिक सिंगर अपनी खुद की आवाज इस सुखविंदर सिंह. क्या बात. को म्यूजिक डायरेक्टर्स बुलाते हैं 3 मिनट का गाना गाने, वो 3.5 घंटे का गा के निकल जाते हैं. फिर उनमें से निकालते रहते हैं, खुला गाते हैं. क्या बात है बेनी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत. थैंक यू सो मच. जोरदार तालियां बनती हैं और जोरदार. आइए सर. इतने हाई नोट्स आप लगाते हो ना और इतने मजे से लगा देते हो. थैंक यू. अरे सुनकर उनके गीत खुल जाते दिल के गेट हैं. सुर और संगीत से उनका रिश्ता मानो सोल मेट है. क्या बात है. सोलमेट आपने कहा, बड़े सही मौके पे कहा. इनको अभी अभी इनकी सोलमेट जो है मिली है. आपकी नई नई शादी हुई है, मुबारकबाद आपको. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. तो कैसा फील कर रहे हैं शादी के बाद? अच्छा फील. रियाज में कोई कमी तो नहीं आई? नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है. तो उनको वैसे कभी गाना सुनाया नहीं आपने अपनी वाइफ को? हाँ मैंने सुनाया. कौन सा? एक्चुअली मेरी वाइफ की भी फेवरेट गाना वो है, कैसे मुझे तुम मिल गई. सर बड़ा खूबसूरत गाना है. कैथरीन आपको बहुत ही प्यारे हस्बैंड मिले हैं. शरेआम टीवी पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ही इज मैरिड. इज अ जेम. थैंक यू. आई लाइक दैट. बोले आप तो रहमान साहब से आप पहले भी मिल चुके थे इस गाने से पहले? मैं सर के साथ अब काम कर रहा था 1 साल से. अच्छा. 2006 में सर को मिला था और तब से मैं काम कर रहा था उनके साथ. तो अच्छा लगा और इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी आया और इट वाज अनफॉरगेटेबल. बहुत बहुत अच्छी बात है सर. सर रहमान साहब किसी और भी एक आदमी को कह के गए थे कि यू वांट टू सिंग, आई विल मेक यू सिंग. वो आदमी आज तक फोन का ही वेट कर रहा है. कौन? कपिल शर्मा. अच्छा. तो वो ऐसे मतलब जैसे कभी बोल के जाते हैं किसी को कि फोन करके बुलाएंगे तो बुलाते हैं? जरूर बुलाते हैं. एक्चुअली ना मैं ये जानता हूँ क्योंकि रहमान सर के साथ हम जब मैं शुरुआत में रिकॉर्ड कर रहा था यू नो इट वाज डेली एंड मंथली जस्ट रेगुलर रिकॉर्डिंग्स वर्क. एंड फिर कुछ साल बाद बंद हो जाता है लेकिन फिर ही विल रिमेम्बर यू और सही तरह का गाना जो आपको सूट होता है ही विल कॉल यू, आपको गवाएंगे. ये तो जरूर होएगा ही. ओके आई एम वेटिंग. आपका नंबर आएगा. एक्चुअली बेनी को आप फर्स्ट लुक में अगर किसी अनजान आदमी को दिखाएं जिनको पता ना हो बॉलीवुड का तो वो यही समझेंगे कि इनके 2 रिवॉल्वर होंगे साइड पे और पीछे इनके डॉन जैसी पर्सनैलिटी. पर बड़ा अच्छा स्टाइल है आपका. थैंक यू. और बहुत खूबसूरत गाने गाते हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं आप. थैंक यू सो मच. बेनी ने सलीम सुलेमान सर के साथ काफी सारे गाने गाए हैं और उस गानों के पीछे कुछ ना कुछ किस्से भी हैं और कुछ गाने तो आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं. अच्छा मैंने एक आपका जैसे आपने ये वाला गाना गाया कि एमएमए लुट गया जी. मैंने देखा बहुत सारी चीजें जो अपनी निजी जिंदगी में होता है कि चाय में डूबा बिस्कुट हो गया. चलो आइडिया आता है कि चाय पी रहे होंगे और डूब गया बिस्कुट तो लाइन आ गई. इसका पॉकेट में रॉकेट वाला आइडिया कहां से आया? यार ये तो जयदीप सहनी को पूछना पड़ेगा बिकॉज उसने ये गाना पूरा लिख के लेके आया था कि ये गाना पॉकेट में रॉकेट है, पॉकेट में रॉकेट है, पॉकेट में रॉकेट. कपिल आप बोल रहे थे वो जो चाय में डूबा बिस्कुट जी,
तो वो एक्चुअली हमारे स्टूडियो में एक रिवाज है कि हम लोग 4:30-5 बजे सब लोग बाहर बैठ के एक साथ में चाय पीते, चाहे खाना खाए ना खाए चाय पीते, सर चाय साथ में होती है, और चाय के साथ में बहुत सारे बिस्किट लगे हुए रहते, और अमिताभ भट्टाचार्य के लिए वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था, उसने कभी देखा नहीं है. एक तो वो चाय डुबा के जो बम्बई स्टाइल में जी बिस्किट डुबा के खाते, बहुत बार बिस्कुट सारी चाय पी जाता है, पता है आप 2-3 बिस्कुट बोलो ना तो बिस्कुट पी जाता है. करेक्ट. तो उसने वो देखा नहीं था कभी, उसको लगा कि इतना बड़ा कप चाय आया तो इतना कप चाय के किसके लिए चाहिए. तो हम लोग बैठ के सब बात कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं, तो उसने वहां पर ये देखा चाय में डूबा हुआ बिस्कुट, एंड ही रोट दैट. क्या क्रिएटिविटी है. उसको आपके पैसे दिए आपने, क्योंकि चाय तो आप ही की थी, वही पी के तो आइडिया आया उनको, तो बोले चाय और बिस्कुट के पैसे काट के देंगे. नमस्ते नमस्ते. व्हाट इज अप, योर चुटिया इज अप. बस अ लॉन्ग टाइम नो शी. नो शी, लॉन्ग टाइम नो शी. नहीं नहीं, काफी टाइम से ही बन के आ रहे हैं ना, लॉन्ग टाइम नो शी. बनी दयाल जी, क्या है हमारे बारे में ख्याल जी. है देखिए, आता ही हमने एक राइमिंग भी ठोक दिया. वैसे आप दोनों के तो हम बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े. बहुत, वो बहुत आप लोगों ने वो जो फिल्म लिखा है ना सोले, ओ हो हो. अच्छा, ये सलीम जावेद नहीं, सलीम सुलेमान है, म्यूजिक डायरेक्टर. अरे अरे अरे, माय हेलो पहुंची. हेलो, माय हेलो पहुंची. लो पहुंची, गलत समझ लीजिए. आप लोग तो दिगंदाज के मतलब म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कमाल का म्यूजिक देते हैं आप. अभी अभी हमने सुना आपने आईपीएल में भी ऐसा गाना दिया है, तो ये आईपीएल वाला फिल्म आ कब रहा है. अच्छा, इन्होंने मैच के लिए गाना बनाया. नहीं नहीं, लेकिन मैच के लिए तो स्कोर बनाते हैं ना. वो तो खिलाड़ी बनाता है ना. लेकिन खिलाड़ी तो रन बनाता है ना यार. तो रन और स्कोर एक ही बात हुई ना. लीजिए, ये आदमी का सुन लीजिए, रन और स्कोर एक बात हो गया. ये तो अभी थोड़ी देर में बोलेंगे कि दुनिया गोल है. तो दुनिया गोल ही है. अच्छा, तो ऐसा वर्ल्ड कप होता है तो लोग क्यों कहते हैं कि दुनिया के कोने कोने से खिलाड़ी आए हैं. गोल है तो कोना किधर से आया. कपूर, ना दुनिया में कोई कोना है, ना तेरे शरीर में कोई कोना है. बात घुमा के हमारे ऊपर ही एप्लीकेबल कर दिया इन्होंने तो. ठीक है यार, कोई नहीं, लेकिन कमाल का गाना बनाया आप लोगों ने. 10 साल आपके नाम. लेकिन ये तो मैं रियलाइज नहीं किया है, आप लोगों ने इटर्नल गाना बनाया है. अच्छा, अगले साल भी चेप दीजिए. 11 साल आपके नाम. 20 साल, 25 साल, 30, 90, 99 बढ़ाते जाइए. हाँ, वैसे एक बात बताइए सलसुल जी. सलसुल जी क्या होता है. अरे सलीम का हमने सल लिया है, सुलेमान जी का सुल लिया है. यार पूरा नाम लेंगे ना टाइम थोड़ा कम रहता है, माफी चाहेंगे. तो इसके लिए ऐसा सलसुल जी. तो सलसुल जी, आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप ना हमारे फूफा के ऊपर एक गाना बनाइए, क्योंकि हमने सुना है कि आपने फीफा पे एक गाना बनाया. अब अगर फीफा पे हो सकता है तो फूफा पे बनता है. आन के तो फूफा और फूफी दोनों है भी फुटबॉल जैसे ही. प्रमोट करना चाहते हो. अब शर्मा यार, आपने इस साल वो अपना इनकम टैक्स नहीं भरा. भर दिया, कब का भर दिया. मैंने ट्वीट हमने अब तक देखा नहीं. हमारे फूफा के बारे में कुछ बोलेंगे ना, हम भी 3-4 तैयार करके लाए हैं. आई विल गिव यू ट्वीट फॉर टैट. अरे शुक्रिया शुक्रिया. क्या बताएं. वैसे बेनी जी, एक बात बताइए. हाँ जी. आपके घर में एक रेजर होगा, रेजर. हाँ. आप बड़ा कंफ्यूज करके रखते होंगे ना. उसे लगता होगा यहाँ जाने वाला है, लेकिन अचानक यहाँ चला जाता. शैम्पू भी आप यहाँ से ऊपर जाता है कि ऊपर से नीचे आता है. सिर्फ इधर. अरे सिर्फ इधर. यहाँ लगाने की कोई जरूरत नहीं है. बट आई लाइक योर स्वैग. थैंक यू. हमारे अंदर भी है. है कि नहीं. देख, बहुत है, बहुत. अरे है कि नहीं. बहुत है. थैंक यू थैंक यू. वैसे ना
म्यूजिक हमको बहुत पसंद है. कैसे? बहुत ज्यादा. एक गाना सुनाओ ना. वो डिफिकल्ट है. वैसे बेनी जी एक बात बताइए. आपका गाना आया था उड़े दिल बेफिक्र उड़े दिल बेफिक्र. वो गाना हमने ऐसा वीडियो में देखा तो उसमें तो ऐसा हीरो हीरोइन का काफी ऐसा किसिंग बिसिंग भी चल रहा था. गाना गाते समय ये किसिंग का आवाज कैसे निकालते हैं? मतलब माइक के साथ कैसे होता कैसे? अच्छा सारे साउंड सिंगर फिर ना निकालते हैं? हाँ यार जो और भी लोग होते हैं. अरे ये क्या यार, मतलब मजे वाला काम आपसे कराया ही नहीं. यार आई फील बैड फॉर यू. माय हार्ट इज ब्लीडिंग. खैर कोई नहीं. वैसे आज से 3 साल पहले आपने हमें बताया था कि लोचाए उल्फत हो गया. तो अब तक तो 3 साल का हो गया होगा. स्कूल भूल जाता है कि नहीं? इनका गाना है वो बेटा थोड़ी ना चलने लगेगा. कैसी बातें कर रहे हो? एक्चुअली टाइमिंग सही था. 2014 में हुआ था तभी तो मुझे लव भी हुआ था. अरे क्या बात है, फिर तो हो लोचा हो ही गया था. हो ही गया था. होगा कहीं ना कहीं, आपको पता नहीं है ठीक से. यार कोई नहीं यार, होता रहता है. माय एलोपोजी एलोपोजी रॉन्ग ऐसा हो गया. खैर लोपोजी. वैसे हम आपको बताएं, आप लोगों की बहुत इज्जत करते हैं. आप लोग इतने कमाल के गाने गाते हैं ना, ओए म्यूजिक देते हैं, गले का इतना इस्तेमाल करते हैं, गला थक जाता होगा. नहीं कभी नहीं, हम आपके गले के लिए गिफ्ट लेकर आए. आइए आइए आइए. ये फांसी का फंदा ये टाई है. ये आपके गले के लिए. आपके गले के लिए पहले से पहन के बैठा. अरे फंकी स्वैग, आई लाइक इट. ये आपके लिए टाई है. क्या बात है. आजकल आईपीएल में भी रहते ना आप लोग, किसी भी मैच में टाई हुआ तो टाई गिफ्ट दे दिया. चलता रहता है. जोक नहीं सुनाया आज कोई? अरे बहुत ज्यादा माहौल बन जाता है, मजा आ जाता है लोगों को. अरे वो लेकिन थोड़ा सा ऐसे. अरे क्या, नहीं 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 यार, जोक क्या, जोक हमारा ना जोक का काम है. ऐसे कलेक्शन रहता है हमारे पास, पर हम ज्यादा सुनाते नहीं है. एक एक सुना दो फिर. अरे नहीं 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 नहीं, चल फिर रहन दो. अरे नहीं ऐसे थोड़ी यार, आप देते. चलिए हमारी तरफ से जोक पेश है. अब जो सोमवार होता है ना, सोमवार सोमवार को एकदम दिल से काम लेना चाहिए. पूछिए क्यों? क्यों? बिकॉज इट इज मंडे. मंडे. ठीक है ठीक है. अच्छा हाँ, किडनी बाहर निकाल के धो के वापस अंदर डालो. और एक और चाहिए? एक और, एक और चाहिए. एक और देते. एक बार एक साइंटिस्ट होता है. कौन होता है? साइंटिस्ट. वो अपने घर के बाहर ना जो बेल लगी होती है ना, वो निकाल देता है. पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि उसे नो बेल प्राइस चाहिए. देश का यार, कुछ दवाई मंगाई, कुछ दवाई मंगाई, दवाई मंगाई, दवाई असर नहीं करती है, दवाई नहीं करती, इधर लाठियां चलती है. कुछ तो दवाई होगी सिद्धू जी. अबे फट जाएगा, फट जाएगा. बहुत ज्यादा माहौल बन गया यार. मिलता है सर, थैंक यू वेरी मच. बड़ा मजा आया आप लोगों से मिलकर, शुक्रिया. Wow. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.